प्रिंसिपल साहब आवाज में दर्द तो है इनका? नहीं नहीं, आवाज में इनकी कमर में दर्द है। गिर गए थे। मैं गिरा नहीं था, मैं गिरा हुआ हूँ। हेलो, हाय हाय, हाउ आर यू? कैसे हाउ आर यू कपिल जी, कैसे हैं सर? वेरी गुड। हेलो ऋचा जी, हाउ आर यू? हेलो हेलो, रख लीजिए, कोई बात नहीं, मेरे पास है और भी। बिल्कुल बिल्कुल, रख लीजिए रख लीजिए, इनको तो कोई भी आता है रख के जाता है। दो मिनट आपसे बात करेंगे, आप भी तीन चार रख देंगे। तो विद्यावती, तुमने मेरे से प्लीज तमीज से बात किया करो। अच्छा, शट अप। ये बस ऐसे बात कर रही है, क्या दिक्कत है, ऐसे करा करो ना। खैर, हेलो ऋचा जी, मैं बस एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। पहले तो, मैं पूछना चाहूंगी, आप हैं कौन, पहले ये बताइए। मैं बेसिकली आई एम प्रिंसिपल खुराना। आपका अंदाज इतना, एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं आप, क्या करके रहे हैं आप दोनों? मेरा एक बाथरूम सिंगर्स का कोर्स मैं कर रहा हूं, मैम आई रियली नीड योर हेल्प। बाथरूम सिंगर बनाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत, देखिए मशहूर सिंगर्स को तो हर कोई जानता है, लेकिन बाथरूम सिंगर की कोई पहचान नहीं है ना? बात है, इनको ले लीजिए। इनको क्यों ले लीजिए? अरे कहीं तो ले लो इनको, यहाँ बैठे बैठे बस बातें बातें बातें। मतलब आपकी फिल्म हो रही है जी, क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, क्या रोल है, मतलब अपने काम से काम रखे इंसान भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये दूसरों की फिल्म इनको बड़ा इंटरेस्ट होता है। गुस्से में क्यों है आप? दरअसल मैं गुस्से में इसलिए हूँ क्योंकि मैं जवान हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई, और जस्ट प्रॉब्लम ये है कि सिद्धू जी भी नहीं आए। आने दो इनको, अगली बार क्लास के बाहर खड़ा करके ससुर बना दूंगी। इनको बनाने का बड़ा शौक है पता है, बाहर सीसीटीवी कैमरा देखती ना, सेल्फी और मुंह बना लेती। क्यों ढूंढ रहे हो आप बाथरूम सिंगर, क्यों बनाना चाहते हो? See, I'll give you an explanation. आजकल सिंगर्स का अपना डिमांड है, हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनका होता है जी हम आएंगे शो पे, हम पैसे भी लेंगे, फिर खाना भी दो, वैनिटी भी दो, इतना कौन करे सर? इसलिए मैंने बाथरूम सिंगर बुलाया। उनका क्या है, उनको एक तेल की शीशी, एक शैम्पू की शीशी पेमेंट हो गई, नहाते रहो खाते रहो। तो ये शो में कमाई कहाँ से होगी फिर? ये कमाई होगी, हम एंट्री फी रखेंगे सिर्फ 10,000 रुपए बस। बाथरूम जाने के 2 रुपए लगते हैं? नहीं, 2 रुपए नहीं लेंगे, ना ना वो डिस्काउंट है, दूसरों की मेहनत का हम क्यों खाएं भाई, है ना? नहीं, हम बस खून पसीना और जुड़ा इसका खाते। वैसे ऋचा जी, हाँ, जैसे म्यूजिक में आपने एक अपना मकान बनाया, ऐसे मैंने भी मलाड में रेंट पे अपना मकान बनाया। ये हंसने की बात नहीं, ये सच बात है। मैं मकान और मकान राइम कर रहा हूँ, बेसिकली मैं बता रहा हूँ, लिरिसिस्ट आल्सो, मेरी राइमिंग अच्छी है। क्या क्या है आप? लिरिसिस्ट, इसके स्पेलिंग बताइए। LYRICIST, ये मत पूछिए सर, मेरे को वाकई आती है। खैर, तो ऋचा जी, मेरा कहने का ये मतलब है कि अब मैं चाहता हूँ ये जो बाथरूम सिंगर्स हैं, जो भी, इनके लिए हमारे पास कलेक्शन तो हो गया, बेसिकली बाथरूम का कलेक्शन नहीं है। तो आप मुझसे क्या हेल्प, कलेक्शन मांग रहे हैं या कि म्यूजिक की हेल्प मांग रहे हैं? बेसिकली क्या करना है, आप ना मुझे टाइल्स और थोड़ा सा एक वेस्टर्न कमोड डोनेट कर दो, बात खत्म। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, ये इंडियन क्लासिकल सिंगर है, आप इंडियन कमोड डोनेट करें मेरे को। सच में? लेकिन ये क्यों करेंगी तुम्हारे लिए इंतजाम? अरे गाती है, कमाती है भाई, बिल्कुल करना ही चाहिए। It's a charity, right? करना चाहिए सर। आप छोड़िए ऋचा जी, हम अब पैसे नहीं है, कैश नहीं, नो प्रॉब्लम, आप एक गाना गा दीजिए, हम ईमानदार लोग हैं, हमने ऑडियंस में बैठ के पॉकेट मार लेनी लूंगा बस। मैं कहता हूँ अगर पेमेंट लेता फिर मैं इतना खुश नहीं था, ये अनमोल चीज दी आपने सच में। थैंक यू। चलिए मैम, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। सुपर। ऋचा जी, आपके सुनने वाले, आपके चाहने वाले सामने हैं। आप में से जो भी ऋचा जी के साथ बात करना चाहता है, उनसे कुछ पूछना चाहता है, आप लोग अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी हेलो कपिल जी। हेलो। हाय ऋचा जी। हाय। मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं भी एक बाथरूम सिंगर हूँ एंड मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं आपके साथ एक गाना गाऊँ। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी, प्लीज 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 कम। ओह माय गॉड, शी इज जैस्मिन, व्हाट अ वंडरफुल सिंगर। अच्छा, ये सरप्राइज था आपके लिए, ये आपकी फैन है स्पेशली। देखो मैंने सच अ लवली 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 सरप्राइज, थैंक यू डार्लिंग। थैंक यू। अभी सरप्राइज खुल ही गया है तो ये जैस्मिन है, किक फिल्म में आपने जब मैनू यार ना मिले तो ये ऋचा जी स्पेशली आपसे ही मिलना, इन्होंने कहा था कि जब आए तो हमें जरूर बताइएगा। सो आप आई हैं तो आपसे हम गाना ना सुने ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ जी, आप मेरे साथ गाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। Come on, hey, hey.
तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं ना मानूं कभी हार, तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार, तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही, परियों की रानी हूँ मैं सबसे हसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, जे मैनू यार ना मिले ते मर जाऊं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, सुपर ब्यूटीफुल जैस्मिन के लिए जोरदार तालियां जी। आप में से जो भी रिचा जी के साथ बात करना चाहते हैं आप यू कैन रेज योर हैंड। आप दोनों जुड़वाए बात भी साथ ही करते बात इकट्ठे करते हैं बाथरूम वगैरह करते इकट्ठा जी। परम रिचा मैम की बहुत बड़े फैन है जी, और हम अपने गाना गा के इनको इंप्रेस करना चाहते हैं। सुनना चाहेंगे रिचा जी आप? बिल्कुल आ सकते हैं। उधर सुर नहीं पकड़ते आप? आई आई आई। अच्छा टी शर्ट भी दोनों सेम, क्या बात है यार, वेरी गुड, वेलकम वेलकम। चश्मे भी सेम, मूंछों की लेंथ भी सेम। कपिल सर, हाँ जी सर, मुझे भी आना सर। हाँ जी मुझे भी आना सर, लंगर लगाए। आई आई जी। आंखों के पन्नों पे तेरी बात सुनो एक मिनट। आज अच्छी सिंगर है? हाँ जी। पहली लाइन से लगा था? अरे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा टाइम लगता है? आज ही आज हो जाएगा कि तीन चार दिन लगेंगे जी। आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ वो होंठों से बयां, के हो जा तू दफा दफा, के हो जा तू दफा। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, कहीं जाके डाका मारो बैंक लूटो। भाई सर थोड़ा पीछे रहिए आप, इतना इमोशनल हो के ना सारा कैमरा ब्लॉक कर रहे हैं इधर आके आप। हाँ ये झूल झूल के बात करते हैं। हेलो झूले लाल मैम, इस वजह आपके लिए है ना, सिर्फ ऋचा जी के लिए हम सब बाहर जाएं, सबके लिए सबके लिए। हाँ। अच्छा सबके लिए। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, आवाज़ें भी एक जैसी, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। बहुत सुंदर। कैसा लगा? बहुत ही बेहतरीन। थैंक यू। और ये बड़ा अच्छा झूठ बोलती है। इतना झूठ भी अच्छा लगता है। पर थैंक यू ब्रदर, आपको देख के आपका स्टाइल मजा आया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया प्रहरी साहब, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइए आप जी। आप जैसे मैडम सिंगल हैं और मैं भी सिंगल हूँ। आप सिंगल नहीं, आप लेट हैं, बहुत ज्यादा लेट हैं। आपको वैसे एक जगह टिक के बात कर सकते हैं वैसे आप, अगर आपको कहे कि बिना हिलेगा बिना। मैं आपको प्रोफाइल देता हूँ, आप एक काम करिए आप इधर खड़े हो जाइए, और अगर आपका पैर हिला वहाँ पे गाना बंद हो जाएगा, ठीक है? यही खड़े खड़े आपने गाना, मैडम भी आपको देख रही है, जनता भी आपको देख रही है, ठीक है? मेरे दिल में एक ही गुनगुनाहट हो रही है। क्या? तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन 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 तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन 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 तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन 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 तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन। ओ छोरा। अच्छा नीचे पांव रुके तो ऊपर हिलना शुरू हो गए और नीचे पांव पर। थैंक यू ब्रदर, आप शुक्रिया शुक्रिया। ये आपकी ना मुझे एग्जिट बड़ी अच्छी लगी, जब गए ना जैसे बहुत बड़ा हिट कॉन्सर्ट करके गए जी। और कोई मेरे दोस्त जो ऋचा जी से बात करना चाहते हैं? जी जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो ऋचा मैम। हेलो, मेरा नाम किशोर ठाकुर है, मैं जलगांव से आया हूँ।
अक्सर मैडम का आवाज बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत प्यारा और बहुत बुलंद आवाज है। थैंक यू। लोगों को पता नहीं होगा मैडम डांस भी अच्छा करते हैं, और उनका एक एल्बम आया था मैडम का रंगीली करके, तो उसके गाने पे हमको डांस करना, एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम को। रंगीली में? हाँ, आपने डांस तो किया था आपके वीडियो में। कुश्ती नहीं करनी उनके साथ, ऐसे कैसे खड़े हैं आराम से। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। शांत हो जाए। थैंक यू शुक्रिया।